हमारे मुल्क में बिकॉज अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, तो एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा कपल्स जिस हैबिट में इंगेज करते हैं दैट इज़ ब्लेमिंग एंड क्रिटिसाइजिंग, जिसको आप ब्लेम गेम भी कह सकते हैं. ब्लेम गेम जो है ये, यू नो, सम एक्सपर्ट्स इन द वेस्ट इवन कॉल इट द कोकेन ऑफ रिलेशनशिप्स, यानी एक ड्रग है ये रिलेशनशिप्स की. ड्रग का क्या होता है, एक चीज़ तो ये कि ड्रग इन द मोमेंट मेक्स यू फील गुड, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बहुत डेविस्टेटिंग होते हैं. इसी तरह से ब्लेम एंड क्रिटिसिज्म इज़ द ड्रग or the cocaine of relationship. Let's look at what happens when you feel the need to blame your partner or somebody else. Ye sab relationships ke liye yahi rule use kiya jata hai. So jab aap relationship mein, aap zahir hai do fard hain, कभी ना कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, कभी ना कभी आपको उनकी कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी, समथिंग दैट इज़ कॉजिंग यू डिस्कम्फर्ट और पेन. उस एग्जैक्ट चीज़ को एड्रेस करने के बजाय वी स्टार्ट ब्लेमिंग द अदर पर्सन. होता ये है कि सिचुएशन में कभी भी एक फर्द तो होता नहीं है, दो लोग मौजूद होते हैं, आपका भी कोई रोल होता है. आपका रोल एक्नॉलेज किए बगैर जब आप दूसरे बंदे के ऊपर तमाम ब्लेम डाल दें कि यू नेवर डू दिस, आई आस्क यू टू डू दिस, यू आर नेवर ऑन टाइम, यू नेवर टेक केयर ऑफ द किड्स, यू नेवर क्लीन द हाउस, व्हाटएवर इट माइट बी, उस चीज़ को एड्रेस करने के बजाय उस वक्त आप ब्लेम और क्रिटिसिज्म में आ जाते हैं. लोग ब्लेम और क्रिटिसिज्म इसलिए आमतौर पर करते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि आई एम एड्रेसिंग द प्रॉब्लम. इस वक्त जो तकलीफ हो रही है इसको मैं एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ. लेकिन होता यह है कि असल प्रॉब्लम, असल पेन वहीं की वहीं रहती है और दोनों लोगों के दरमियान डिस्टेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है. क्योंकि क्रिटिसिज्म जब आप किसी को करते हैं, जब आप किसी को अटैक करते हैं, तो वो अटैक ही की तरह फील होता है. अगला बंदा आपकी बात सुन नहीं रहा होता, आप वो फौरन डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं, वो अपना जवाब तैयार कर रहे होते हैं या वो आपको ऑटोमेटिकली ट्यून आउट कर चुके होते हैं. तो कम्युनिकेशन डज नॉट टेक प्लेस एंड वन पर्सन कीप्स टॉकिंग, द अदर पर्सन ईदर कीप्स इग्नोरिंग और वर्स, दोनों जब लड़ाई करना शुरू हो जाते हैं तो देन यू नो समटाइम्स इवन वायलेंस कैन अकर. सो इस चीज़ के ऊपर बहुत गौर करने की ज़रूरत है कि हाउ मच इन अ डे डू यू ब्लेम योर पार्टनर, हाउ मच डू यू ब्लेम अदर पीपल. और मैं पहले ही आपसे कह देती हूँ, अगर आपको ब्लेम और क्रिटिसाइज करने की बहुत ज़्यादा आदत है तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत मुश्किल होगी. लेकिन इसको प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज आपको मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि आपको खुद नहीं अंदाज़ा कि आप कितना ज़्यादा ब्लेम और क्रिटिसिज्म में इंगेज करते हैं या करती हैं. अगर आप सिर्फ एक दिन में, इवन चंद घंटे, जब आपने किसी और को अपनी किसी भी प्रॉब्लम का ज़िम्मेदार ठहराया, जस्ट नोट इट डाउन कि मेरी इस प्रॉब्लम का ज़िम्मेदार सो एंड सो है, इस प्रॉब्लम का ज़िम्मेदार सो एंड सो है, इस प्रॉब्लम, ये पूरी लिस्ट तैयार कीजिए. दिन के आखिर में बैठ के उन तमाम पहले तो चीज़ों को देखिए, आपको अंदाज़ा होगा, आई गारंटी यू विल बी शॉक्ड कि कितना ज़्यादा आप किसी और को ब्लेम या क्रिटिसाइज करते हैं. दूसरा इसमें फ़ायदेमंद जो असल एक्सरसाइज है वो ये है कि हर सिचुएशन में बैठ के फिर गौर कीजिए कि अगर ये जो जिस शख्स को आप ब्लेम कर रहे हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि उसने नहीं चेंज होना, जो वो है वो वही रहेगा, उसने किसी हाल में अब चेंज नहीं होना, टेक दैट पर्सन आउट ऑफ द इक्वेशन. आपका क्या रोल है, आप क्या कर सकते हैं उस सिचुएशन में, अपना रोल डिफाइन कीजिए कि अच्छा अगर ये चीज़ मुझे इतना बॉदर करती है और इस पर शख्स ने चेंज ही नहीं होना, तो मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ. आप इससे देखना शुरू होंगे कि सडनली द पावर विल बी बैक इन योर हैंड, यू विल नॉट फील सो फ्रस्ट्रेटेड, यू विल नॉट फील सो एंग्री. यकीन कीजिए, ब्लेम इज द अल्टीमेट कॉप आउट. कॉप आउट का मतलब क्या है, आप अपना काम करना नहीं चाहते, आप अपने ऊपर कोई भी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, आप दूसरे को ब्लेम करते हैं, क्योंकि जैसे ही आपने दूसरे को ब्लेम किया तमाम जिम्मेदारी किसी और पर शिफ्ट हो गई, आपको अब कुछ करना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने तो किसी और के ऊपर ब्लेम कर दिया. लेकिन लॉन्ग रन में ये चीज़ रिलेशनशिप्स को तबाह कर देती है.